हूँ रिटायर्ड टीचर हूँ और देहरादून की पढ़ी हुई हूँ मैं, यूपी में उत्तरांचल में है अभी, देहरादून की पढ़ी हुई और हिंदी पर मेरा कमांड है ऐसा मैं सोचती हूँ, क्योंकि हम हिंदी में ही सोचते हैं, हिंदी में ही बोलते हैं, सब कुछ हिंदी में। मेरी हिंदी कोई ऐसी विशेष नहीं है कि बहुत कठिन शब्दों वाली हिंदी हो, सबकी समझ में आने वाली हिंदी है। आज जब मैं ये सोच रही थी कि मैं क्या बोलूं, तो मुझे सबसे पहले मैम ये बात पता नहीं चल रही थी कि बचपन किस एज तक के बचपन को आप बचपन कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात थी आज इसके लिए कि हम किस एज तक की एज को बचपन कहेंगे, क्योंकि मुझे तो अपनी जब हम एमए में पढ़ते थे वो भी बचपन ही लगता है और आज भी बचपन ही। आज तो खैर चलो मैं मानती हूँ बचपन नहीं है। मैंने बहुत सोचा इस बात को और इंटरनेट पे भी देखा मैंने कि बचपन कौन सी एज तक है, तो उसमें यही था स्कूलिंग, प्री स्कूलिंग जो है वो बचपन होता है। तो हमने बहुत लिमिट कर दिया आपके विषय को कि बचपन में जो यादें होती हैं बचपन की, लेकिन फिर भी उसकी बहुत यादें हैं मेरे पास। कुछ तो मेरी अपनी यादें हैं, अब मेरा समय एक दो मिनट ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, कुछ तो उसमें हमारी अपनी यादें हैं बचपन की। और फिर जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं और हमारे बच्चे होते हैं, आप पता नहीं मेरी बात से सहमत हो कि ना हो, हमने एक कविता पढ़ी है तू मेरा बचपन है, जिसमें उसने अपनी बेटी को कहा है, जब हमारे बच्चे होते हैं तो हमारे पास समय ही नहीं होता कि हम अपने बच्चों के हरकतों को देखें या उनको समझें कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग इतने व्यस्त होते हैं अपने जीवन में। लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं बचपन की कि जो हमें बहुत याद आती हैं। मैं आपको अपने बचपन की एक बात बताती हूँ, शायद आप लोग विश्वास ही नहीं करेंगे, मैं 43 बॉर्न हूँ। सब लोग अपनी एज छुपाते हैं लेकिन मैं छुपाऊंगी नहीं। और 46 में हम पाकिस्तान से आए थे यहाँ पर, रेफ्यूजी बन के आए थे हम यहाँ पर, वी वर रिफ्यूज्ड टू लिव देयर। तो जब हम यहाँ पर आए तो मेरे फादर वहीं रह गए थे, उन्होंने अपना बिजनेस और घर नहीं छोड़ा था। तो उस समय हमारी क्या हालत थी, हम अपने मामा के पास आए थे। तो अपने बचपन की एक बात बताती हूँ छोटी सी, सब बच्चे ऐसे करते हैं, लेकिन आजकल के माँ बाप उन बच्चों को कहते हैं तुम चोरी करोगे। आपने उस लेसन में भी देखा होगा, एक हिंदी का लेसन है, मतलब बच्चे को हम सिखाते हैं ये चोरी है, ये झूठ है और ये है, लेकिन वो बातें इसमें बचपन में नहीं होती, तभी वो बचपन कहलाता है। तो जब हम आए हरिद्वार में, हम बसे हुए थे गंगा जी के किनारे, तो हमारी माता जी और मासी और परिवार बहुत बड़ा था, वो सब पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करने आते थे और हम भी अपने उनके साथ बड़ों के साथ आते थे पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करने। वो वहाँ पर दीपक जलाते थे, पैसे रखते थे, सब कुछ करते थे। जैसे वो जाने लगते थे हम उनके साथ चले जाते थे, और मैं, मेरी बहन और मेरा एक कज़न भाई था, हम चुपके से सब पैसे उठा लेते थे और रोज़ हम ये करते थे। और अगर आजकल के बच्चे ऐसा करें और माँ बाप को पता लग जाए तो माँ बाप दो झापड़ दें बच्चों को कि तुम चोरी करोगे। लेकिन जब हमारी माँ को पता लगा, बिल्कुल अनपढ़ हमारी माँ, उन्होंने हमें बिठा के समझाया कि हम जो पैसे चढ़ाते हैं वो गरीब लोग या पंडित लोग देते हैं, और वो हमें आशीर्वाद देते हैं कि भगवान जिन्होंने ये पैसे चढ़ाए हैं उनके घर में बहुत सुख शांति रखना, तो हमें ये पैसे नहीं उठाने चाहिए। तो ये हमने अपने बचपन में एक बात सीखी। उसके बाद हम कैसे बड़े होते गए, कैसे होता गया हमारे बचपन का, और बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन उसके बाद मैं आपको एक दादी और पोती के बचपन के बारे में बताना चाहती हूँ, छोटी सी बात, जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगी, और मैं वैसे बहुत जल्दी बोलती हूँ और जल्दी ही बोलूँगी। मैंने अपने ज़िंदगी में अपनी पोती का सुख बहुत देखा, मतलब बच्चे कैसे अपनी माँ को कॉपी करते हैं ये मैंने बहुत देखा। उसकी माँ जॉब करती है और उसको बचपन में छोड़कर मेरे पास ही जाती थी, और वो कितनी व्यस्त रहती थी घर में जब आती थी तो उसको बिल्कुल फुर्सत नहीं होती थी कि वो अपने बच्चे से बात करें या क्या करें, ये मैंने अपनी पोती से देखा।
वो जब माँ चली जाती थी अपनी अलमारी खोलती थी और वैसे ही कपड़े निकालती थी अलमारी में से, जस्ट एक्ट करती थी, वो कहती थी नो मीरा आई डोंट हैव टाइम, आई एम वेरी बिजी, प्लीज लीव द फोन, माय डॉटर इज आल्सो वेटिंग, प्लीज डोंट टेल मी दिस थिंग एंड दैट थिंग। तो मुझे लगा कि कैसी बातें करती है मेरी पोती, तो मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट आ गया अपनी पोती में, ये तो बड़ी सुंदर सुंदर बातें करती है। अगर मैं उसे कहती थी कि नहीं अब तुम इधर आओ, अब ऐसे नहीं बोलो, तो कहती थी नो डैडी, दादी डोंट डिस्टर्ब मी, वो बिल्कुल बिल्कुल अपनी माँ की तरह बोलती थी। खैर मैंने उसका बचपन बहुत एंजॉय किया। छोटे बच्चे, हमने एक कहानी भी पढ़ी है, छोटे बच्चे अपनी माँ को कितना कॉपी करते हैं, एक खेल कहानी में कि जब बच्ची जाती है गंगा के किनारे रेत में खेल रही होती है तो वो अपने पैर को ऐसे रख के उसके ऊपर घर बनाती है, उसको नहीं पता कि रेत का घर नहीं बनता, और इसी को बचपन कहते हैं। कैसे वो अपनी टांग उसमें से निकालती है और कैसे वो उसको थपथपाती है, जैसे छोटे बच्चे को सुलाने के समय माँ बिल्कुल हल्के हल्के वहाँ से उठकर आती है, इसको बचपन कहते हैं। बचपन स्वतंत्र होता है, बचपन में हमें ये नहीं होता हमें कोई मारेगा। अभी मैं अपने थोड़े से बच्चों से पूछ रही थी कि तुम्हें बचपन क्यों अच्छा लगता है, वो कहते हैं हम खूब ढेर सारी चॉकलेट खाते हैं, माँ हमें मना नहीं करती, मना भी करती है तो करने दो, हम चोरी चोरी फ्रिज खोलते हैं और चॉकलेट लेके आते हैं, ज़्यादातर सब बच्चे चॉकलेट और आइसक्रीम खाते हैं, यानी कि हमने बच्चों के ऊपर कितने बंधन रखे हुए हैं उनके बचपन के ऊपर, कि हम उनको उनका बचपन भी एंजॉय नहीं करने देते। 3 साल के बच्चे को हम कहते हैं ABC की पूरी किताब ख़त्म करो, ये करो वो करो, और स्कूल में भी इतना उनको होमवर्क दे दिया जाता है। ये तो मैंने आपको छोटी मोटी बचपन की बातें बताई, मैं छोटी सी कविता पढ़ के सुनाऊंगी। सभी को बड़े होकर बचपन बहुत याद आता है, सभी को बड़े होकर बचपन बहुत याद आता है, हंसना तो खुल कर हंसना तो खुल कर हंसना, रोना तो खुल कर रोना, अपनी ही धुन में मगन रहना, ना कोई चिंता ना कोई परेशानी, ना कोई दुख ना कोई हैरानी, ना आगे बढ़ने की चाह ना पीछे रह जाने का गम, ना किसी के रूठने की चिंता ना किसी को मनाने का इंतजार, दिवाली दशहरा जब थे त्योहार, ना सिर्फ नियमों के हार, ना दिल में जो आए वही करना, बाद में चाहे मार भी सहना, ना समाज के नियमों में धन, ना दिल में कोई उलझन, उम्र बढ़ते ही पैसों को पाने की चाहत, पैसों की ओर को बाद में उसका गरूर, बचपन में थे इन बातों से हम बहुत दूर, जीना सीखते सीखते बड़े हो गए और बड़े होकर समझ आया कि जीते तो तब थे जब पता नहीं था कि जीना क्या था, हर एक चीज की कीमत तब थी जब पता भी नहीं था कि उसकी कीमत क्या थी, सभी को बड़े होकर बचपन बहुत याद आता है, सभी को बड़े होकर बचपन बहुत याद आता है।